टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इस टॉपिक में देखेंगे रेडिएशन का किसी मैटर के साथ इंट्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले एटेन्यूएशन को देखते हैं। एटेन्यूएशन क्या होता है? तो किसी भी मैटर या फिर बॉडी के थ्रू एक्सरे पास होता है तो वहाँ पे एक्सरे फोटोन में के नंबर में रिडक्शन हो जाती है। और रिडक्शन कैसे होती है? या तो एक्सरे जो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो वहाँ से स्कैटर हो जाएगा। इस तरीके से वहाँ पे स्कैटर होती है। तो सिंपली एटेन्यूएशन इक्वल टू एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। ये देखते हैं एटेन्यूएशन का एक फॉर्मूला है। एन नॉट इज इक्वल टू एन 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 सॉरी एन इज इक्वल टू एन नॉट ई। एन जो होता है नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड फोटोन्स है, एन नॉट जो है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स है, ई जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। पिछले एटम्स का वीडियो दिया गया था। एटम्स के वीडियो में बताया गया था एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम न्यूक्लियस क्या होता है और उसका आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे कैसे सब बताया गया था उस वीडियोज में। तो यहाँ पे सेम थोड़ा सा है। जो एटम जो होते हैं मॉलिक्यूल से बाउंडेड होते हैं और उसके जो सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक सिर्फ फोटोन्स जो होता है या तो वो आता है जब स्ट्राइक करता है किसी एटम के ऊपर, या तो उसके आउटर मोस्ट लेयर में स्ट्राइक करेगा या तो न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करता है। तो जब वो आउटर मोस्ट लेयर को या फिर न्यूक्लियस के साथ वो स्ट्राइक करता है एक्सरे, तो वहाँ पे पांच तरह की इंट्रैक्शन होती है। फर्स्ट कोहरेंट स्कैटरिंग, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोर्थ पेयर प्रोडक्शन, फिफ्थ जो होता है फोटो डिसइंटीग्रेशन। जो कोहरेंट स्कैटरिंग होता है इसको अनमोडिफाइड स्कैटरिंग या फिर क्लासिकल स्कैटरिंग भी कहते हैं। यह उस टाइप की इंट्रैक्शन है जिसमें जो रेडिएशन जो होता है बिना वेवलेंथ चेंज किए अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वही लिखा गया यहाँ पे, इन विच रेडिएशन अंडरगोज अ चेंज इन डायरेक्शन विदाउट चेंजेस इन वेवलेंथ। बिना वेवलेंथ चेंज के डायरेक्शन को चेंज करता है। ये दो तरह के होते हैं। इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक्सरेज लेस देन 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो तरीके का होता है, थॉम्सन स्कैटरिंग और रेली स्कैटरिंग। जो थॉम्सन स्कैटरिंग होता है इसको जे जे थॉम्सन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें सिंगल फोटोन जो होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इंट्रैक्शन में। और जो रेली होते हैं, रेली स्कैटरिंग जो होता है इसमें लॉर्ड रेली के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो होते हैं कॉरपोरेटिव इंट्रैक्शन होता है सारे इलेक्ट्रॉन के साथ, इसमें एटम के सारे इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें इंट्रैक्शन होता है। ये नहीं देखना है, ये यहाँ पे देखा जा रहा है। जैसे एक इंसिडेंट फोटोन आया यहाँ से, जो पहले में बताया था कि या तो ये आउटर मोस्ट लेयर के साथ इंट्रैक्ट करेगा, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया, या तो इसका सीधा इन करके न्यूक्लियस के साथ करेगा। तो पांच तरह के इंट्रैक्शन हो रहे थे इसमें। तो यही था, आगे देखते हैं। यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है फोटोन इलेक्ट्रिक कुछ इफेक्ट होगा, तो इसको देखते हैं आगे। तो इसमें जो होता है एटम जो होता है, इसका जो एटम्स होते हैं इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट और एक सेल्स में होते हैं इसमें। और जो इसका इनर मोस्ट सेल होता है, जो सबसे अंदर वाला सेल होता है, उसको के सेल बोलते हैं। और उसके बाद जो पेरिफेरल सेल्स होते हैं उसी तरीके से KLMNOP 12 क्लास में पढ़ा होगा, उस तरीके से होते हैं। के सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, के एल सेल के पास 4, ऐसे करके वो होता है। और इधर देखते हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में लूजली बाउंड होते हैं, और वो इसीलिए और वो जो होते हैं वो फ्री होते हैं और अप्रोप्रिएट होते हैं, तो इसलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट हो गया और ये हो गया न्यूक्लियस।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इसका तीन एंड प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, सेकंड निगेटिव आयन, थर्ड पॉजिटिव आयन। अब आते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग को होली कॉम्पटन ने इंट्रोड्यूस किया था 1947 में। इसमें जो होता है कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो होता है इंट्रैक्शन होता है आउटर सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। आगे देखते हैं, हाँ इसमें आउटर मोस्ट के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। देखिए ये आउटर मोस्ट सेल है, इसके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनका इंट्रैक्शन हुआ है इसमें, और ये सेंट्रल न्यूक्लियस है। और इस तरीके से बताया गया था, अभी जो पहले बताया था KLM ऐसे करके वो प्रेजेंट होते हैं, KLMNOP ऐसे कई सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इंसिडेंट फोटोन आया आउटर मोस्ट के साथ, और इसका फॉर्मूला होता है EI = ES (EB+E)K(E). EI जो होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और ES जो होता है एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, EB जो होता है एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, और EKE जो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नहीं शो हो पा रहा है, इसको लिख लेना EK(E) जो है ये वाला, ये जो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें होता क्या है, कोई भी इंसिडेंट फोटोन जो होता है बाहर से आता है हाई एनर्जी के साथ, वो आता है और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ हाई स्ट्राइक करता है, क्योंकि उसके सेल्स फ्री सेल्स होते हैं तो स्ट्राइक करता है, और उसके जो ऑर्बिट होता है वहाँ से उसको निकाल देता है, उसको वहाँ से निकाल देता है, और फोटोन जो होता है वहाँ से निकलता है, तो फोटो उसके जो फोटोन्स होते हैं किसी अदर डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से इसको हाईली स्ट्राइक किया तो इसके फोटोन्स एक इधर से ये निकल गए कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन, एक इधर से ये निकले और इधर से निकले, तो किसी अदर डायरेक्शन में निकल जाता है। और इसके थ्री एंड प्रोडक्ट होते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन। और जो इसके रिएक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसको जो रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं, एक तो पॉजिटिव एटम होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और ये जो होता है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की तरह गोज करता है, जाता है, जैसे यहाँ पे जो जाता है ये इधर, ये जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से स्कैटर का इंसिडेंट फोटोन आया और यहाँ से निकला, इसी को बोलते हैं। अब देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन होता है हाई फोटोन एनर्जी होता है जो कि ग्रेटर देन 1.02 MeV। इसमें फोटोन डिसअपियर्स होते हैं। आगे देखते हैं, ए फोटोन डिसअपियर्स टू एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। इसमें क्या होता है, एक हाई एनर्जी फोटोन होता है जो कि एटम के न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्ट करता है, तो जो फोटोन होता है और उसकी जो एनर्जी होती है, फोटोन डिसअपियर्स हो जाता है और उसकी एनर्जी जो होती है वो कन्वर्टेड होती है मैटर, दो फॉर्म पार्टिकल के दो फॉर्म के मैटर में कन्वर्ट होती है वो। एक जो होता है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन होता है, और जो दूसरा होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। इसका जो मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 0.5 MeV के इक्वल होता है। और इसमें जो पेयर प्रोडक्शन दो तरीके का इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, टू इलेक्ट्रॉन मासेस। और इसमें जो इंटीग्रेशन होता है, कोई भी जगह नहीं, फोटोन एनर्जी के जो भी फोटोन के जो एनर्जी होती है 102 MeV से उससे कम की फोटोन एनर्जी को प्लेस नहीं करता है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे होती है इनहेलेशन प्रोसेस, इसको यूज़ करते हैं पेट में, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। फोटो डिसइंटीग्रेशन, फोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, इसमें जो होता है न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है
जब हाई एनर्जी फोटोन आता है तो पार्ट ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है अपने जगह से। तो इजेक्टेड फोर्स जो निकल जाता है, जो न्यूक्लियस इजेक्ट हो जाता है, या तो न्यूट्रॉन होगा, या तो प्रोटॉन होता है, या फिर अल्फा पार्टिकल्स होता है क्लस्टर के फॉर्म में। तो फोटोन जो होता है उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि अपना दोबारा से वो बाइंड अप कर ले एनर्जी को। और इसके पास कोई भी एनर्जी जो इसके पास जो एनर्जी होती है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम में नहीं होती है। ये कभी रेयरली यूज़ होता है एनर्जी 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही है, यहाँ से इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक किया सिंपल, और यहाँ से एक क्लस्टर के फॉर्म में बाहर आता है। थैंक यू।